आज चीन सीमा के पास एकाएक गर्जी भारतीय सेना की बड़ी तोपों की, जिसकी वजह से चीन की दहलीज पर डर पहुंच गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना के युद्धाभ्यास बुलंद भारत से चीन को सख्त संदेश दिया गया है, जिसके जरिए सैनिक उसकी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते पकड़े जाते हैं। कुछ महीने पहले भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ही चीन ने हरकत की थी, हालांकि भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को वहां भी खदेड़ दिया था। ऐसे में बुलंद भारत युद्धाभ्यास के जरिए भारत चीन को सीधा और साफ संदेश दे रहा है। ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान की तरफ से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की मुकम्मल तैयारियों की एक झलक है। जरूरत पड़ी तो पूर्वी कमान में तैनात 155 एमएम बुफोर्स होवित्सर, 105 एमएम फील्ड गन और 120 एमएम मोर्टार भारत के दुश्मनों के खिलाफ गरजने से गुरेज नहीं करेंगे। युद्ध हमारा आखिरी विकल्प है, लेकिन ये तैयारी इस बात की गारंटी है कि जरूरत पड़ी तो भारत साजिश रचने वाले दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। किसी भी जंग का रुख बदल देने वाली ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग जिले की है, जहां भारतीय सेना की पूर्वी कमान की तरफ से आयोजित बुलंद भारत नाम के युद्धाभ्यास के दौरान हमारे जवानों ने अपनी जंगी तैयारी का सबूत दिया। दरअसल भारत ने इस एक्सरसाइज से चीन जैसे पड़ोसी मुल्कों को ही कड़ा संदेश दिया है। भारत ये जानता है कि चीन की विस्तारवादी नीति ना तो कभी बदलने वाली है और ना कभी रुकने वाली है। यही वजह भारत ने इस एक्सरसाइज से ना सिर्फ अपनी फायर पावर यानी आर्टिलरी गन्स का एक नजारा दिखाया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरी चीजें कितनी ज्यादा इन इलाकों में मजबूत हो चुकी हैं। पिछले 3 से 4 साल में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय क्षेत्र में कई बार घुसपैठ की कोशिश की, हालांकि भारतीय सेना की सतर्कता की वजह से हाल के दिनों में चीन के खतरनाक मंसूबे हर बार नाकाम हुए। 2017 का डोकलम विवाद हो या फिर 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में झड़प या फिर हाल ही में तवांग में हुई भारतीय सेना और चीन के बीच की झड़प, दरअसल जब जब मौका मिला भारतीय सेना ने अपना हुनर या फिर अपने सारी चीजें चीन को साबित कर दी। खास बात यह कि चीन लगातार कोशिश करता रहता है कि इन इलाकों में घुसपैठ करता रहे, और इस बार भी तवांग के हिस्से में भी चीन ने इसी तरीके की घुसपैठ करी और कोशिश थी कि सारी चीजों को कैमरे में कैद कर लिया जाए, लेकिन चीन की इस नापाक हरकत को भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया और चीन के सैनिक न सिर्फ पिटकर बल्कि दुम दबाकर इन इलाकों से भाग गए। इन्हीं घटना से सबक लेते हुए भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने युद्ध की अपनी क्षमताओं को परखा। 1 महीने तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों और खराब मौसम वाले हालात में जंग की तैयारी के साथ स्पेशल फोर्स, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच आपसी तालमेल को भी परखा गया, जिसकी तस्वीरें अब सामने आने के बाद एक बात तो तय है कि चीन की कुख्यात विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने वाली उसकी सेना अब अपने कदम आगे बढ़ाने में 100 बार सोचेगी। गुड न्यूज़ टुडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।